कुछ दिन पहले मैं गया था कबाड़ की दुकान पे, तो मैं बता दूं जो है सेटअप बॉक्स का यूज करके एम्पलीफायर मशीन बना सकते हो। तो गाइस कुछ दिन पहले मैं गया था कबाड़ की दुकान पे, वहां से मेरे को ये मिला एक सेटअप बॉक्स, पता नहीं है खराब है या सही है, बट मेरे को 10 रुपए में मिल गया और मैं वहां से उठा लाया। एंड हेलो गाइस, तो फिर क्या सो आप लोग एकदम बड़े एकदम मस्त हो गए, वेलकम आपका हमारे कोल राजन फ्रेश ब्लॉक के अंदर। कुछ दिन पहले मैं जो ना कबाड़ की दुकान पे गया था, तो मेरे को ये सेटअप बॉक्स मिला और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक व्लॉग बनाया जाए। एंड काफी सारे लोगों के घरों में ऐसा सेटअप बॉक्स तो जरूर होगा, ऐसा नहीं तो कोई दूसरी कंपनी का होगा, बट जिन लोगों के घरों में ऐसा सेटअप बॉक्स है ना, तो मैं बता दूं कि आप इस जो है सेटअप बॉक्स का यूज करके एक एम्पलीफायर मशीन बना सकते हो। जी हाँ गाइस, किस तरीके से बना सकते हो ये मैं आपको आज के व्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। आते ही साथ गाइस मैं आपको इसको खोल के तोड़ के भी दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या निकलता है सेटअप बॉक्स के अंदर, तो बहुत मजा आने वाला है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और गाइस जो ना अभी एक बहुत तगड़ी गड़बड़ हो गई कि मैं जो ना ये मेरे पास एक बोया का माइक था, देखो यहाँ पे ये अभी भी खोला मैंने, तो ये बोया का माइक भाई साहब मैं इसको खोल रहा था, इसकी वायर इतनी लंबी है कि भाई साहब उलझ गई और मैं खुद उलझ गया भाई साहब कि अब मैं माइक से ब्लॉग बनाऊं या फिर ऐसे बनाऊं, क्योंकि अभी जाना दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं और मैंने सोचा आज का ब्लॉग थोड़ा जल्दी बना लेते हैं दोपहर को, वरना मैं मैक्सिमम ब्लॉग अपना रात को बनाता हूँ 9-10 बजे। तो यार अब दिक्कत ये होगी कि मैं सोच रहा था कि माइक से ब्लॉग बनाऊं, देखने वाला हूँ कि माइक से आवाज कैसी आती है, बट दिक्कत ये होगी कि कट ही नहीं हो रहा, ठीक है खराब कर दिया और अब पता नहीं क्या करूँ। ठीक है अब ऐसा करता हूँ इसको, तो मैं भाई साहब दिमाग खराब कर दिए, इसको बाद में करूंगा, आप एक बार ऐसे मैनेज कर लेना ठीक है। और सोच रहा हूँ एक वायरलेस माइक खरीद लूँ, इतना बजट नहीं है भाई साहब अभी, नहीं हम लोगों ने गरीबी देखी तो उसका भी गाइस जो ना कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं है, उसका आवाज भी ऐसा ही आएगा जैसा मोबाइल का आ रहा है। चलो छोड़ो, यहाँ पे अब बढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ, फटाफट से मैं ऐसा करता हूँ इसको खोलने का जुगाड़ करता हूँ। और एक चीज गाइस मैं आपको बता दूं, आज सुबह सुबह मैंने अपने रूम की सफाई कर दी है यहाँ पे, और यहाँ से आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो मैं रोज ही साफ करता हूँ, बट अंदर से एक नंबर चमका दिए, देखो यहाँ पे हर एक चीज मस्त मैनेज करके रख दी है ठीक है, और सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे, तो एकदम मस्त काम हो चुके। फटाफट से ऐसा कर दो, मैं टूल्स लेके आता हूँ और इसको खोलता हूँ। चलो गाइस खोलते हैं, और ये अपना स्क्रू ड्राइवर, और गाइस ना कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि ये स्क्रू ड्राइवर को भी सही कर दो, ये स्क्रू ड्राइवर जो ना इलेक्ट्रिक है तो इसकी मोटर पता नहीं खराब है या फिर अंदर से कुछ गेयर वेयर या फिर कुछ खराब पता नहीं क्या हुआ, ठीक है चल नहीं रहा ठीक है, तो देखेंगे क्या गड़बड़ है इसके अंदर। मेरे हिसाब से मोटर तो इसकी सही है, बट यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर कुछ बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिस हिसाब से भाई साहब ये मोटर काम नहीं करी, सिर्फ लाइट जल रही है, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है मेरे को नहीं पता ठीक है। अभी इसको खोल के देखेंगे, बताना कमेंट करके इसके ऊपर ब्लॉग बनाओ या ना बनाओ, तो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको खोलते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्विचेस वगैरह थे, और पहले इसको खोलने से पहले आपको ये बताते हैं इसके अंदर क्या क्या आइटम है। यहाँ पे एक वॉल्यूम का है, बेस का और ट्रैवल का है, यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा रखी है, और बस कुछ भी नहीं, एक पावर ऑन ऑफ का बटन है, पीछे में स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे ऑडियो वीडियो, और यहाँ पे आप 220 वोल्ट से इसको पावर दे सकते हो, बस ये कुछ है तो आपको अच्छे से बता दिया। फटाफट से इसको मैं खोल लेता हूँ, इसका पोस्टमार्टम कर देता हूँ ठीक है। एंड इसीलिए तो कबाड़ से लाता हूँ ना आपको यार अंदर से खोल के दिखाऊं, ताकि जो लोग भाई साहब नहीं देखा जिन लोगों ने कि इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, यही नहीं बहुत सारी चीज़ें मैं लाता हूँ आपको इस ब्लॉग चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी आइटमें कभी कभी मिल जाती है कबाड़ के अंदर, कभी कभी ये सस्ती सस्ती भी आइटमें मिल जाती है, कभी कभी बहुत तगड़ी आइटमें मिल जाती है, तो वो भी आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कबाड़ से चीज़ें ला के उसको तोड़ फोड़ के दिखाया, और कभी कभी तो रिपेयर करके भी दिखाया, मतलब मैक्सिमम आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो ये देखो ज़्यादा कुछ तो इसके अंदर भी नहीं है, एक पावर सप्लाई है और यहाँ पे एक कार्ड है ठीक है इसका, ये देखो ये वाला, और यहाँ पे ये वाली सर्किट लग रहा है जिसके अंदर डिस्प्ले एंड वॉल्यूम कंट्रोल करने का, बेस ट्रैवल कंट्रोल करने का। तो ऐसा करता हूँ पहले मैं आपको जो है इसको अच्छे से खोल के दिखाता हूँ अंदर से, और थोड़ा कैमरे का एंगल भी चेंज करता हूँ यार, ऐसे तो अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये देखो कुछ इस टाइप का सिस्टम है, मैंने आपको अच्छे से इसको खोल के दिखा दिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया। यहाँ पे एक डिस्प्ले है, कुछ स्विचेस वगैरह लगा रखे हैं, ये वाले माइक्रो स्विच और ये सब चीज़ें हैं देखो, और कुछ कंपोनेंट लगा रखे हैं यहाँ पे,
ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर वगैरह। और ये रही भाई साहब पावर सप्लाई, तो इसको थोड़ा आपको क्लोज से दिखाता हूँ। यहाँ पे हम 220 वोल्ट देते हैं एसी और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, 5 वोल्ट ग्राउंड, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट ग्राउंड, 3.3 वोल्ट इस टाइप से। और ये इसी के अंदर जाता है और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वोल्टेज जाती है। और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो वीडियो का स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे है। अरे मैं देख रहा हूँ इसके अंदर स्पीकर लगाने के लिए वायर कहाँ है भाई, ये सॉकेट खाली थोड़ी चलेगा। ये देखो भाई साहब, मतलब इस किसी ने इसको खोल रखा ऑलरेडी, देखो भाई साहब वायर ही नहीं है, चलेगा कैसे, ठीक है। तो ये तो बहुत तगड़ा गड़बड़ है रे यार, कोई बात नहीं, इसकी पावर सप्लाई बाहर निकालते हैं, पावर सप्लाई काम आएगी, ठीक है। मेरे को नहीं लगता बाकी चीज़ें इसके अंदर चलती होंगी, क्योंकि किसी कारण से ही किसी ने फेंका होगा। और पावर सप्लाई कैसे इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है, मैक्सिमम इसका ये वाला कार्ड ख़राब होता है, ये वाला पावर सप्लाई इसका जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा ये सिस्टम है इसका। मेरी यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है और गर्मी के मारे ऊपर से पंखा बंद करके बॉक्स बना रहा हूँ ताकि हवा का साउंड ना आए, और से इसको खोलता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। हाँ तो गाइस देख लिया टाइम लैप्स और देख लिया कि मैंने इसको खोल दिए, लाइक नहीं करा जा रहा भाई साहब, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने सारे सर्किट खोल दिए, ये रहा भाई साहब, मतलब सारी चीज़ें खोल दी, सर्किट नहीं सारी चीज़ें ही खोल दी है, ठीक है। इसकी ये रहा इसका स्विच और पावर स्विच, इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सॉकेट भी कनेक्टर है, मतलब स्पीकर कनेक्टर, ये भी एकदम मस्त कंडीशन पे है, मतलब टूटा फूटा तो नहीं हुआ, ये काम आ जाएगा। ये हमें जो है ना मार्केट में 10 रुपये का मिलता है, तो ये मेरे को टोटली 10 रुपये का मिला, ठीक है, तो फायदा ही फायदा है। इसके बाद भाई साहब यहाँ पे हमें पावर सप्लाई मिलती है, इसके अंदर 220 वोल्ट देंगे तो अलग अलग वोल्टेज मिलती है, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, बहुत सारी अलग अलग वोल्टेज मिलती है। तो भाई साहब इस पावर सप्लाई का तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। एंड ऐसी पावर सप्लाई आई थिंक ये 50-60 रुपए में या फिर 100 रुपए के अराउंड मिल जाती है, ठीक है। फिर भी अंदाजे से बता रहा हूँ, मैंने कभी खरीदी नहीं है, बट फिर भी 50-60 रुपए की अप्रोक्स ये होगी, उस या फिर उससे महंगी भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला सर्किट निकला जिसके अंदर यहाँ पे बेस वॉल्यूम कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। इसके अंदर से ये वाली जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसको निकाल सकते हैं और ये कार्ड मिलता है जिसके अंदर, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है भाई साहब, किसी काम का कार्ड नहीं है हमारे, मतलब हमारे लिए कुछ किसी काम का नहीं है, ये चीज काम आ सकती है। और अभी बताता हूँ गाइस कि आप जो है इस सेटअप बॉक्स का यूज करके किस तरीके से एम्पलीफायर मशीन बना सकते हो और अपने फोन से स्पीकरों के अंदर गाने बजा सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जब ये बॉक्स के अंदर बंद होगा ना तो आपको काम करना है, आपको बॉक्स को खोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ खोल के तोड़ के दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या निकलता है, बट आप अगर गाने वगैरह बजाना चाहते हो ना तो इसको खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जहाँ पे ऑक्स कनेक्ट होती है ना, मतलब यहाँ पे ऑडियो वीडियो का जहाँ पे ऑडियो वाली केबल लगती है, बस यहाँ पे आपको केबल मतलब ऑक्स वाली केबल घुसा देनी है और उसका 3.5 mm का जो जैक होता है वो अपने फोन में घुसा देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, स्पीकर कनेक्ट करने हैं और बस इसको पावर देनी है 220 वोल्ट और ये होगा काम। और आप यहाँ से स्पीकर की वॉल्यूम बेस ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हो और अपने मस्त गाने एंजॉय कर सकते हो। और मैं आपको चला के तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने इसका पूरा ऑपरेशन कर दिया। होप आपको मजा आया आज का ब्लॉग देख के, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से आप सेटअप बॉक्स को एम्पलीफायर मशीन की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा फिर बताना कमेंट करके। चलो फिर मिलता आपको जल्दी नया ब्लॉग के अंदर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।